नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी जो पूर्वांचल राज्य में बहुत ही फेमस है। ये यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की बहुत ही फेमस मिठाई है जो हर तीज त्योहार पर जरूर बनती है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, घर के कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है। अक्सर ये रेसिपी मैदे से बनाई जाती है, पर मैंने इसे मक्के के आटे और गेहूं के आटे से बनाई है। यकीन मानिए, इसका टेस्ट इतना अच्छा आया है, इतना लाजवाब आया है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप मक्के का आटा, 1 पिंच मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक। नमक डालना इसके अंदर जरूरी है ताकि ये चीनी को बैलेंस कर सके। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप देसी घी। आप इसकी जगह पर बटर या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से डालकर मिक्स करेंगे, फिर इसे हम हाथों से भी अच्छे से मसल मसल कर अच्छे से इसे सॉफ्ट बना लेंगे। जब घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप चीनी की चाशनी। चीनी की चाशनी हम इसके अंदर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये अंदर से फीके ना लगे। चाशनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जरूरत महसूस होगी तब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से पूड़ी का डो होता है ना, बिल्कुल टाइट, ताकि उसके अंदर तेल कम एब्जॉर्ब करे, ठीक उसी प्रकार हम इसका भी डो तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से गूंदेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने और इसकी जो लेयर है वो फूली फूली सी बने। हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको 5 से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसकी हम सुंदर सी लोई बना लेंगे। खाजा के अंदर लेयर बनाने के लिए हमें साटा बनाने की जरूरत पड़ेगी। साटा घी और आटे के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा और 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी मेल्टेड। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये ज़्यादा लिक्विड ना हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। साटा हमारा बनकर तैयार है। अब हम खाजा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक लोई को लेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। हम खाजा के अंदर 3 से 4 लेयर बनाएंगे। इसके लिए हम 3 या 4 रोटियों का इस्तेमाल करेंगे। सभी रोटियों को हम इसी तरीके से बेल लेंगे। अब एक रोटी इनमें से लेंगे और इसके ऊपर हम पहले 2 चम्मच साटा डालकर अच्छे से फैलाएंगे और उसके ऊपर हम सूखा आटा डालकर डस्ट करेंगे। सूखा आटा डालना जरूरी है, इसको डालने से लेयर जो है बहुत ही आसानी से खुल जाती है। इसी तरीके से 2 या 3 रोटियों को रखकर हम इसी तरीके से लेयर बना लेंगे। जितनी रोटियां हम यूज करेंगे उसी हिसाब से इसके अंदर लेयर बनेगी। हम इन रोटियों को अब अच्छे से रोल कर लेंगे और थोड़ा सा इसे फैला लेंगे। फिर इसे लगभग 1 इंच के साइज में इसे कट कर लेंगे और फिर इसे उंगली से प्रेस करके इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। पहले लंबाई में बेलेंगे, फिर इसे थोड़ी सी चौड़ाई में बेल लेंगे। देखिए, ये अभी से इसकी लेयर देखिए कितनी आसानी से खुल जा रही है। इसी तरीके से हम सभी खाजा को बना लेंगे। ये खाजा जैसे ही हम तेल में डालेंगे इसकी लेयर अपने आप ही अलग होने लगेगी। अब हम खाजा को फ्राई करेंगे।
इसके लिए हमने ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसके अंदर एक एक दो दो करके खाजा को डालेंगे और एक बार में 6 से 7 ही खाजा को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ऑयल के अंदर डालते ही इसका साइज डबल हो जाता है, ये खाजा फूल जाते हैं। तो आप तेल इतना लें कि जिसके अंदर खाजा अच्छे से डिप हो जाए, अच्छे से डूब जाए। इसको हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि अंदर से बहुत ही खस्ता बने और ऊपर की लेयर कुरकुरी बने। आप इस मिठाई को 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में टेस्ट में जैसी आज है, 1 महीने बाद भी इसका टेस्ट ऐसा ही रहेगा। हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए इसके लेयर कितने अच्छे तरीके से खुल चुके हैं। अब इसे हम चाशनी के अंदर डुबाकर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। चाशनी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसकी जगह पर आप जैसे रसगुल्ला या गुलाब जामुन का जो रस बच जाता है, आप इसमें उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसमें भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रस में 2 मिनट भीगे रहने देने के बाद इसे हम निकाल कर स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। खाजा को ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में फिर रख देंगे और इसे चाय, नाश्ता के संग या जब भी इच्छा हो मीठा खाने की आप इसे खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक पेज पर जाकर पिक्कल चिक्कल बाय अक्षरा रति को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।